السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الله عز وجل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون खुर्सत नबील वम में ये किताब तजल़ नबूत जो हम तलबा ही के लिए मुरतब की गई है उसका पेज नंबर थर्टी एट से लेकर के आज इनशा फिफ्टी थ्री तक के चंद वाक़ और उसकी मुख्तसर सी तश्री आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की जाएगी जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा और फिर कहता हूँ नबी करीम की सीरत आपकी हयात तयबा ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें रहनुमाई करती कि हमें किस तरीके से रहना है एक कामयाब इंसान हर मैदान में कैसे बनना है नबी करीम वसल्लम की सीरत में वो नमूने मौजूद ज़रूरत है इसे पढ़ने की समझने की यानी वाकयात को सिर्फ किस्से और कहानी के अतबार से या तारीख़ के अतबार से ना पढ़ा जाए बल्कि इस एतबार से पढ़ा जाए कि हमारे लिए इसमें क्या है हम इसको अपनी ज़िंदगी में किस किस एतबार से दाखिल कर सकते हैं। एक मशहूर वाक़ है सीरत का कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तामीर में हिस्सा लिया उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन पैंतीस साल ज़िक्र की जाती और सैलाब के आने की वजह से खाना काबा की जो पुरानी इमारत थी वो उसका कुछ हिस्सा ढह गया था गिर गया था तो कौम के लोगों ने मशवरा किया और फिर उसके बाद प्लानिंग की कि इसकी दोबारा तामीर की जाए तो सब लोगों ने अपना हलाल पैसा लगा करके खाना काबा की तामीर में शिरकत की माल के एतबार से भी और वक्त और जिस्मानी एतबार से भी की तामीर में भी हम लोग हाथ बटाएंगे एक मकाम ऐसा आया जहाँ पर ये नेक काम इख्तलाफ का सबब बन गया और इख्तलाफ इतना कि बाहम ख़ून ख़राबे क़त्ल गारतगिरी की नौबत गारत आने वाली थी तलवारें बाहर निकल चुकी थीं तो उस मौक़े पर एक साहब ने कहा झगड़ा उड़ा मत कीजिए मैं उसका एक आसान रास्ता बतलाता हूँ कि अपने में से किसी एक को जज बना लीजिए वो जो फ़ैसला करे उसे तस्लीम कर लें लेकिन जज किसको बनाए उसकी तरकीब मेरे पास ये है कि कल सबसे पहले जो ख़ाना काबा में दाखिल हो जाएगा उसको हम अपना जज बना लेंगे फिर वो जो फ़ैसला कर देगा वो हम तमाम लोग तस्लीम कर लेंगे इस बात पर पूरी कौम के लोगों ने इत्तेफ़ाक किया चुनाव से दूसरे दिन तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे कबीले का या हम या हमारे कबीले का कोई फ़र्ज खाना क़ाबा में सबसे पहले पहुँच जाए वो जज बन जाए ताकि जिस मामले में अख्तिलाफ है उस मामले का हल हमारे हक में आ जाए इख्तलाफ क्या था हजर असवद को उठा करके के कौन जो है उसकी जगह पर फिट करेगा ये बड़े शर्फ़ की बात थी और लोग उसको शर्फ और क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा करते थे कि बड़ा काम जिसके हिस्से में आया वो बहुत अच्छा माना जाएगा चुनाचे इस तरकीब पर लोगों ने अमल किया और मान लिया कि जज मुतन किया जाए और जज का मुतिन करने का तरीक़ा यही है कल सबसे पहले जो आएगा वही हमारा जज बन जाएगा उसका फ़ैसला हम तमाम लोग कोबिल कबूल होगा चुनाच सुबह हुई और तमाम लोगों ने कोशिश की कि पहले पहुँचें लेकिन सबसे पहले वाल पहले पहुँचने वाली शख्सियत वो थी जिसके मुतल किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था इन पैर नबी अलैहि वसल्लम सबसे पहले पहुँचे बाद में जब लोगों ने पहुँचा पहुँचे तो देखा कि नबी करीम सल्लाहु वसल्लम है मोहम्मद पहुँच चुके हैं अलैहि वसल्लम तो कुरैश के लोगों ने आपको देखते हुए कहा हैदमीन हु दहम्मद ये मोहम्मद हैं ये अमीन हैं हम इनसे राज़ी यानी तमाम लोग ये अल्लाह आलमीन का फ़ैसला था चुनाचे नबी अलैहि वसल्लम जज मुंतखब हो गए अब आप जो भी फ़ैसला करते सबको तस्लीम था तो आपने ऐसा फ़ैसला किया कि ना सिर्फ कौम का इख्तलाफ मिट जाए बल्कि ये हो कि तमाम कौम के लोग लोग राज़ी भी हो जाएं दिलों में जो क़दूरत और नफ़रत पैदा हो गई वो ख़त्म हो जाए और सब के दिल एक दूसरे से मिल जाएं नबी वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक चादर बिछाई जाए लोगों ने चद्दर बिछा दिया आपने अपने मुबारक हाथ से हजर रवद को उठाकर उस चद्दर पर रखा और तमाम कबीले के सरदारों में से कहा कि एक एक फ़र्द हर कबीले का आए और इस चादर के किनारे को थामे और उठाए बुलंद करे चुनाच ऐसा ही किया गया कि हर कबीले के सरदारों में से एक एक आगे आए और चादर को हजर स्वद के साथ उठाया और जब उतनी बुलंदी पर पहुंच गया कि जहां पर हजर असवद को फ़िट करना था नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उसको फ़िट कर दिया इख्तलाफ ख़त्म और दिल भी आपस में जुड़ गए और सब इस फ़ैसले से राज़ी हो गए ये वाकया क्या नबी अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी कौम के तई आपके नज़रियात आपकी सोच और आपके फिक्र की तर्जुमानी करता है आप चाहते तो ये मुकम्मल शर्फ़ अपने पास रखते मैं पहले पहुंचा हूँ मैं ही उठा के रखूँगा लेकिन नहीं जो अपनी कौम के लोगों के कई अच्छी सोच और फिक्र रखता है वो हर खुशी में कौम के लोगों को भी शरीक रखना चाहता है और उनको तकलीफ़ से बचाना चाहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तरतीब इख्तियार की कि सब लोग खुश हो जाएं वरना अगर किसी एक को शर्फ़ हासिल होता तो दिल में ये बात रहती कि फ़ला क्यों हुआ मुझे नहीं हुआ है इस एतबार से तकलीफ़ होती और दूसरा मुमकिन है हसद पैदा हो जाती जो उस वक्त ज़ाहिर ना होती किसी और मौके पर बात आ, सामने आ जाती तो इस फैसले से पूरी कौम के लोग मुतफ़ हो गए हसद कुछ जो दिलों के अंदर थी वो भी ख़त्म हो गई तो नबी करीम अलैहि वसल्लम अपनी कौम को ख़ुशियों के साथ रखना चाहते थे उनकी परेशानी उनकी तकलीफ़ उनके गम को मिटाना चाहते थे एक दाई को यही सोच रखनी चाहिए कि दावत का काम हमें करना है तो कौम के तई हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हमारी कौम खुश रहें वो तकलीफ में ना आए जहाँ तक मेरी जात से अपनी कौम को फ़ायदा पहुँच सकता है हम खुश रख सकते हैं मेरी जात से किसी खुशी हो सकती है तो पहुँचाए और मेरी से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो उसको बचाए बस इतना यह है कि अगर मामला शरी, अहकाम पर अमल करने की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो फिर उसको खुश करने की ज़रूरत नहीं लेकिन जहाँ तक कि बगैर शरीयत के मुखालफत किए हुए कौम के लोगों को खुश करने की बात है यानी ऐसा काम करें कि किसी के शरीयत की मुखालफत भी ना हो और वो लोग खुश हो सकें तो उसके लिए कुर्बानी देना चाहिए बगैर शरीयत के मुखालफत किए हुए किसी का गम दूर हो सकता है या उसमें कमी आ सकती है तो बिल्कुल कोशिश करना चाहिए हाँ शरीत की मुखालफत करते हुए नहीं की जा सकती ये एक बड़ा पैगाम हमें सीरत के इस वाक़े से मिलता है कि कौम के तई हमारी सोच ऐसी हो कि हम जितना हो सके अपने कौम के लोगों को खुश रखें और उनको तकलीफ़ और गम से दूर रखने की कोशिश करें बशर्ते कि हमसे इस इस काम को अंजाम देने में शरीयत की मुखालफत हमारी से ना हो आज लोग कोशिश करते हैं कि कौम को खुश रखें लेकिन कुछ ज़्यादा ही इस मामले में पढ़ करके शरीयत को पशे पुष्ट पशे पुष्ट डाल देते हैं शरीयत की मुखालफत करके कौम को खुश करते हैं आज कितना बड़ा मामला है कौम क्या कहेगी ये शरीय मसला है हम इस काम को शरीयत के एतबार से करना चाहते हैं तो दूसरे लोग कहेंगे अरे अगर ऐसे करेंगे तो फिर कौम नाराज़ हो जाएगी तो इस तरीके से अगर शरीयत की मुखालफत करके कौम को राज़ी रखना चाहते हैं तो ये ग़लत है और अगर शरीयत की हिमायत करते हुए उस पर अमल करते हुए कौम को राज़ी करने कोशिश करते हैं तो यही सही है और बसाओं का शरीयत पर अमल करने की वजह से कौम के कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएं तो इन शाला आइंदा व राजी हो जाएंगे वक्ती तौर तो पर नाराज़गी तो हो सकती है लेकिन अंजाम कार ये होगा कि वो लोग राज़ी हो जाएंगे कब वो अल्लाह बेहतर जानता है जब समझ लेंगे कि ये बंदा दीन पर अमल पैरा है और वो दीन की अहमियत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका ये अच्छा काम उनको ख़राब लगेगा समझ रहे हैं तो बहरहाल ये एक बड़ा पैगाम इससे मिलता है दूसरा पैगाम ये है कि किदाई को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इख्तलाफ से ख़ुद भी बचे कौम को भी बचाए खुद भी बचे और कौम को भी इख्तलाफ से बचाए अपनी तकरीर के दरिया से अपनी तहरीर के दरिया से अपनी गुफ्तु के ज़रिया से कोई ऐसा जुमला कोई ऐसा लफ्ज़ कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे कौम में इख्तलाफ पैदा हो जाए अलबत्त अगर शरीब अहकाम को बयान करते हुए कुछ इख्त पैदा हो जाता है तो कोई हरज की बात नहीं ये तो हुआ है नबी के दौर में भी हुआ है लेकिन बसा अवकात हमसे अच्छे काम को करने में हमारा तरीक़ा और अंदाज गलत होता है काम अच्छा होता है हमारा तरीक़ा या उस काम को करने का जो अंदाज है वो गलत होता है जिसकी वजह से कौम नाराज़ हो जाती है तो हमको क्या चाहिए इख्तलाफ़ का शिकार हो जाए हमको क्या चाहिए कि बोलते वक्त या किसी भी काम करने करते वक्त तो जैसे शर्ी काम करना है वैसे ही उस काम को करने के लिए शरी तरीक़ा अपनाना चाहिए तब इंशाल्लाह इख्तलाफ होगा भी तो कम होगा हमारे बहुत सारे नौजवान हैं देखिए दावत देने का उनका तरीका क्या होता है अच्छी बात भी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है डांट रहे हैं सामने वाले का को कोई अहतराम नहीं उसका जो रुतबा है उसका कोई ख्याल नहीं माँ बाप से भी बात करते हैं दीन के नाम पर तो इस तरीके से बात करते हैं कि एकदम ये ऐसे हैं वैसे हैं इन्हें जहन में बैठ गए हैं ये लोग गुमराह हैं ये जाहिल हैं इसलिए इस तरीके के अंदाज़ हमारा होता है कि वो जो अपने करीबी लोग हैं वो भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते और फिर हम ये कहते हैं कि जब हम हक बात करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं आप यकीन हक बात कह रहे हैं लेकिन हक हाँ बात करने के लिए हक हाँ का तरीका नहीं अख्तियार किया है इससे इख्तलाफ बढ़ रहा तो एक इकदाई को कोशिश करना चाहिए खुद भी इख्तलाफ से बचें दूसरों को भी इख्तलाफ से बचाने की कोशिश करें अगर उसके लिए कुछ अपनी दुनियावी ज़िंदगी से कुछ, कुछ कुर्बानी भी देना पड़े तो आप कुर्बानी दे करके आप इख्तलाफ को मिटाने की कोशिश कीजिए लेकिन शर्ी तौर तो पर शरी अहकाम की कुर्बानी नहीं दी जा सकती गैर शरी अमल करके इख्तलाफ को नहीं मिटाया जा सकता ये मुमकिन ही नहीं है कि गैर शरी अमल करके हम इख्तलाफ को मिटा लें ये मुमकिन ही नहीं कितनी भी कोशिश कर लें तो इस वाके से हमें बात। बात ये बात दूसरी बात यह है कि नबी करीमल वसलम की जो जिंदगी है नबूत से पहले बड़ी पाक साफ जिंदगी एक तरफ आपका क़ीदा शिरक कुफ़र वग़ैरह से पाक था दूसरी तरफ अखलाक किरदार कैरेक्टर आला किस्म का था लोगों के साथ आपका तामुल कह लीजिए या मिलना जुलना लेना देना वग़ैरह एकदम पाक साफ था इसीलिए ज़रा देखें आप कि जब लोगों ने देखा कि खाना काबा में सबसे पहले आप मौजूद हैं तो तमाम के तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया तमाम के तमाम लोगों ने और क्या कहा हादल अमीन रदीना هذا मुहमद ये तो अमानत दार है सवाल ये है कि ऐसे किसी शख्स को अमानत दार कब कहा जाता है क्या किसी ने एक मर्तबा किसी के साथ अमानतदारी की तो क्या उसका टाइटल अमान अमीन पड़ जाएगा अमानत दार पड़ जाएगा नहीं कोई एक मर्तबा नेकी के काम करने की वजह से वो टाइटल नहीं बन जाता लकब नहीं पड़ जाता बल्कि वही काम बार बार होता है तब लोगों की निगाह में वही उनका अमल बैठ जाता है कि अरे ये आदमी ऐसा है चाहे अच्छी सिफत हो चाहे बुरी सिफत हो एक मरता कोई झूठ बोल दे तो सारे लोग उसको झूठा थोड़ी ना कहते हैं लेकिन बार बार बोलें तब वो यकीन वो टाइटल उसका बन जाता तो है झूठा आदमी तो नबी करीम वसल्लम की पूरी ज़िंदगी नबी बनाए जाने से पहले बहुत पाक साफ थी और इसीलिए जब आपने दावत शुरू की अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया और कौम ने इनकार करना शुरू किया इनकार करने की वजह यह नहीं थी कि यह शख्स गलत है यह नहीं थी कि यह शख्स गलत है बल्कि इनकार करने की वजहें दूसरी थी तो ऐसा क्या था कि लोगों ने आपकी दावत का तो इनकार किया लेकिन आपकी शख्सियत का इनकार नहीं किया आपकी ज़ात का इनकार नहीं किया आपके कैरेक्टर और अखलाक का इनकार नहीं किया वो यही थी कि चालीस साल ज़िंदगी आपने उनके दरमियान बहुत ही पाक साफ बसर की थी सबके साथ अच्छे मामल के साथ किए थे एक मौका आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के सच होने के लिए अपनी दावत की हक्कानियत को साबित करने के लिए अपनी चालीस साल जिंदगी पेश कर दी थी क्या किया था अपनी चालीस साल जिंदगी पेश कर दिया था क्या कि अगर मेरी दावत में जो पेश कर रहा हूँ इसमें कुछ तरद है तो कम से कम मेरी जिंदगी तो देख लीजिए चालीस साल मैंने आपके बीच में गुजारा है अगर मैं आपसे झूठ बोलता तो पहले भी बोल सकता था आपको गुमराह करता तो पहले भी तो गुमराह कर सकता था लेकिन मेरी चालीस साल जिंदगी ये है अगर उस पर एतमाद है तो इस पर भी एतमाद कीजिए अगर उस पर आप उसको सही मानते हैं तो मेरी बात को भी सही मानिए बात की बात को भी फक लबिस तो उमर कबीलियालून अल्लाह फरमाता है कि नबी ने कहा कि मैंने तुम्हारे दरमियान एक लंबी उम्र गुजारी है फकल लबी तोीक उम्र उम्र अमीन कबली इससे पहले अफला अफलातालून क्या तुम सोचते नहीं हो कि अगर ये आदमी आज झूठ बोल रहा है जादू कर रहा है गुमराह कर रहा है वगैरह वगैरह तो चालीस साल ज़िंदगी में क्यों नहीं किया और उसके बारे में एक लफ्ज आप गलत नहीं कह सकते इसीलिए पेश किया एक दाई का किरदार इतना पाक साफ होना चाहिए कि अपनी जिंदगी को बतौर सबूत पेश कर दे गवाह पेश कर दे कि मेरा तो कोई गवाह नहीं लेकिन मेरी जिंदगी जो मैंने तुम्हारे दरमियान बसर की है वो खुद गवाह है कि मैं गलत नहीं अब हम ही लोग हैं घर के अपने घर के अंदर कुछ लोगों का मामला ऐसा होगा कि वो अपने घर वालों के दरमियान पेश कर सकते हैं कि मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ बताइए कभी गलत किया खैरखाही के जब भी कोई काम किया तो खैर खाही के अतबार से किया और कुछ लोग होंगे कि अपने घर के अंदर भी पेश नहीं कर सकते है कि नहीं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दाई के अंदर फ़कल लबिस तूफ़ी को उमरअनकून तो दूसरा सबक था नबूत से पहले आप सल्ह वसम की सीरत सफ़र नंबर चालीस पर है कि नबूत से पहले नबी करीम सीरत दावत को शुरू करने से पहले आपके सीरत तमाम तर खराबियों से पाक साफ थी और कौम के सामने थी इसीलिए आपने उसको अपनी दावत पर गवाह बना के पेश कर दिया कि फ़क लबी तुफ़ी गमन कबल ही फलाता सफ़र नंबर तैतालीस पर फोटी थ्री पर नबूत का आगाज़ और वही का नज़ुल आपने वाक़ बारहा सुना है कि नबी अलैहि वसल्लम धीरे धीरे अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद होने लगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी और आपके कौम की ज़िंदगी दोनों अलग अलग हो गई वो लोग कुफ़ शिरक किया करते थे अल्लाह के नबी कु़़र शिरक नहीं किया करते थे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बुराइयाँ थी लेकिन आपको तमाम चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी तो इसलिए ख़ुद परेशान थे दूसरा कि अपनी कौम के लोगों की असलाह हम कैसे करें एक दाई को फिक्रमंद होना चाहिए अपने कौम की असलाह के लिए जैसे एक बाप अगर कोई बेटा उसका दरासा नालायक निकल जाए नालायक गाली नहीं है नालायक मतलब लायकदार नहीं है तो वो फिक्रमंद इसको कैसी इसकी असलाह करें कि ये गलतियाँ करना छोड़ दें गलत जगह बैठना छोड़ दें गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दें अच्छा काम करने लगे तो जितना बाप को अपने बेटे के मुतालिक फ़िक्र होती है वैसे हम दाइयों को अपने समाज के लिए फिक्रमंद रहना चाहिए नबी करीम अलैहि वसल्लम के अंदर ये फ़िक्रमंदी आ गई तो आप बस्ती से निकल जाते थे मक्का से निकल करके वो मशहूर पहाड़ So, uh, हेरा पहाड़ पर जा करके गुफा ऊपर है गार है उसमें जा के पना लिया करते थे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने देखा वो पहाड़ वो गार रियल में रियल में आपने देखा है ज़रा देखिए कि कहाँ है और वहाँ से एक चीज़ देखने में आई कि वहाँ से काबा दिखता है इतनी बुलंदी पर वो है कि वहाँ से काबा आज भी दिखता है अब तो कुछ बिल्डिंगें सामने आ गई हैं उसके तो वहाँ अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम मक्का से दूर और ज़मीन से बुलंदी पर कि आज भी चढ़ते चढ़ते हाथ पैर काँपने लगते हैं और फिर जा करके ऐसे घूम कर के वो फिर वो गार तक पहुँचना खैर ऐसा लगता है कि कहीं गिर गए तो शायद हड्डियाँ भी सलामत नहीं बचेंगी वहाँ अल्लाह के नबी वसल्लम हर रमज़ान में जाकर बैठते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन की जो तालीमात बची थी महफूज थी उसी रोशनी में अल्लाह की इबादत किया करते थे गौर तो गौरव फिक्र किया करते थे दो साल ऐसे गुजरा तीसरे साल आप उसी पहाड़ पर रमज़ान के महीने में थे और गालिबा इक्कीसवीं शब्द थी जिसको हम कहेंगे कि ताकरात आखिरी अशरे की एक फरिश्ता आता है और उसके बाद पूरा वाक्य आपके सामने और आपको कहता है इकरा पढ़िए आप कहते मैं पढ़ा हुआ नहीं तो आपको वो दबाता है भेजता है भेजना समझते लगा करके खूब ज़ोर से हक़ कर लेना आप फरमाते हैं इतना ज़ोर से दबाया कि ऐसा लगे मेरी जान निकल जाएगी तीन मरतबा ऐसे ही होता है फिर आखिर में फरिश्ता इरा इक इकरा में रबी लक वो पाँच आयत करीमा नाजिल होती उसके नज़ुल के बाद नबी करीम सीधा घर आते हैं। आ करके ताला ताल के पास सबसे पहले तो जम मिलोनी जम मिलूनी उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए घबराहट तारी थी एक रवायत में है कि आपके कंधे का यह हिस्सा घबराहट की वजह से ऐसे कप यहाँ आती आपको उड़ाया गया उसके बाद जब आपकी तबीयत ज़रा बहाल हुई तो मैं खदीजा ने पूछा क्या मामला है आपकी ये कैफियत क्यों कर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा वाकया बयान किया कि मैं ऐसे इबादत में था फरिश्ता आया ऐसा किया ऐसा किया वैसा किया और ये बातें ना बताया कि इकबिसम्बिकदी खलक पाँच आयत करीमा उसके बाद आपने एक जुमला फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है मैं यहीं पर आना चाहता हूँ क्या कहा मुझे अपनी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है अम्मा खदीजा राल ने उस मौके पर जो बात कही है वो बात हमें दो हैसियत से देखना चाहिए एक हैसियत तो ये है कि किसी के ग़म को दूर करना है और हिम्मत और हौसला देना है तो क्या करना चाहिए और दूसरा ये कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी पाक साफ आला किरदार के हामिल आपकी शख्सियत पूरे के साथ फरमाती हैं कल्ला हरगिज़ नहीं अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था मुझे अपनी जान का ख़दशा महसूस हो रहा है तो अल्लाह के अम्मा ने फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं ये हरगिज़ नहीं कल्ला का ये दो अल्लाह के नबी समाम वो ख़्याल जो बार बार जहन में आ रहे थे इस एक लफ्ज ने उसको जो है दबा दिया आपने कहा मुझे अपनी जान में खा रखा कल्ला हरगिज़ नहीं और उसके बाद फरमाया अल्लाह की कसम अब अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा और क्यों ये बातें उन्होंने की उसकी वजह दिख रही फरमाई कि इन्नका न कला तहसील रही व तहम्ला व व तकलीफ़ा वत नवाबल चूँकि आपके अंदर ये पाँच खूबियाँ हैं उन खूबियों की बुनियाद पर मैं अल्लाह पर कसम खा के कहती हूँ कि अल्लाह आपको रसवा नहीं करेगा वो पांच खूबियाँ क्या कि आप सिला रहमी करते रिश्ते नाते को जोड़ते हैं, व कल और बेसहारों का सहारा बनते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा बनते हैं व तक जिनके पास कुछ है नहीं उनके लिए बंदोबस्त करते व तक यीफा मेहमान के मेहमान नवाजे करते हैं व तो वा हक और हक के रास्ते में जो शख्स हक पर होता है परेशान होता है हक पर रहने की वजह से आप उसकी मदद करते हैं ये पांच खूबियां आपके अंदर हैं जिसकी वजह से मुझे इतना यकीन है कि मैं कसम खा के कहती हूं कि आपको अल्लाह रस्वा कभी भी नहीं करेगा ये बात इतने अतमाद के साथ इतने यकीन के साथ हल्फिया तौर पर कसम खा करके अम्मा खदीजा तला ने कैसे कह दिया ये खूबियाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी और एक इंसान के अंदर खूबियां और ख़राबियाँ ये सबसे ज़्यादा जानकार अगर कोई होती है तो उसकी बीवी होती है। अगर उसकी बीवी शहादत दे दे दिल से किसी के बारे में कि सही है तो उससे बेहतर गवाह नहीं मिल सकता और यहाँ कसम खा के कह रही हैं ऐसा मैंने एक बार तसली दे रही हैं आपको तो ये नबी करीम वसल्लम का कैरेक्टर समाज सेवा सोशल वर्किंग ये सब वही है ना लोगों की मदद करना कोई बेसहारा है तो उसकी मदद करना किसी का कमाने वाला नहीं खाने पीने का बंदोबस्त करना किसी पर जुल्म हो रहा है उसकी मदद करना यही सब सोशल वर्किंग है नबी अलैहि वसल्लम ये कर रहे थे और जो शख्स ये काम करेगा अल्लाह उसको रसवा नहीं करेगा इज्जत चाहिए तो हमें तमाम चीज़ें करना और यही वो चीज़ें हैं जब हम करने जाते हैं तो हमें अपनी इज्जत का ख़तरा महसूस होता है कि कोई फला मार देंगे फला गाली दे देंगे क्यों मुकाबले में जो शख्स है वह ऐसा है वैसा है हमारे पास माल हम किसी की मदद कर रहे हैं कल हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम हाथ फैलाने के लायक हो जाए ये सब रसवाई की बात है ना लेकिन याद रखें यह काम करने वाला कभी रुसवा नहीं होगा और दूसरी बात नबी करीम के सीरत ऐसी थी कि बीवी ने ऐसी गवाही दी कि आपको ढारस भी बंधी और यकीन हो गया कि इनशाला अल्लाह हमें रुसवा नहीं करो जो आपका गम था वो दूर हो गया और औरतों के लिए या मर्दों के लिए अगर किसी के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए तो यहाँ से एक पैगाम ये मिलता है कि किसी को तसल्ली कैसे दी जाती है खूबियों का तस्करा कीजिए जो ख़दशात आपके दिल में पैदा हो रहे हैं किसी मसले को लेकर के उस मौके पर उनके सामने उन खदशात को जिक्र अभी मत कीजिए अभी उन बातों को जिक्र कीजिए जो उम्मीदें हैं कि अच्छा क्या हो सकता है उन चीज़ों का जिक्र करना चाहिए लेकिन यहाँ क्या है मामला उल्टा जैसा कुछ होता है शोहर ने कुछ बताया या बीवी ने कुछ बताया फ़लाने दोस्त ने कुछ बताया तो जिसके पास गए बेचारा अच्छा अब जाना नहीं नहीं वाकई ऐसा हो सकता है आपके साथ बड़े ख़तरनाक लोग हैं अब लो जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी भी ख़त्म क्या अम्मा खदीजा अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं आप नहीं जाएंगे आज के बाद से गारे में वरना वाकई ख़तरा महसूस हो रहा है नहीं आपके लिए जो कुछ भी था वो था आप किसी भी हिम्मत बंधाया उन्होंने उससे कोई बात ही नहीं की कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे फिर फरिश्ता आएगा कि नहीं आएगा क्या था कुछ नहीं पहला काम आपकी हिम्मत बंधाई मना नहीं किया आज की बीवियां ऐसी होंगी अरे कितने लोगों दीनी तालीम हासिल करने से लोग दाढ़ी मत रखो बड़ा खतरा है फलों को इस वजह से मार दिया गया मा लिंचिंग हो गई वगैरह वगैरह है कि नहीं तो ये तरीका बीवियों का नहीं होना चाहिए और मर्दों का भी नहीं होना चाहिए बी सिर्फ बीवियों का मामला नहीं है आज बहुत सारे दोस्त हैं जो यही सिखाते हैं हाँ कुछ कह रहे थे तो दूसरी बात ये कि ढारस ऐसे बधाए जो खूबियाँ बयान की जाए और जो दीनी काम है नेक काम उससे रोका ना जाए मान लो नेक काम के लिए किसी ने कदम बढ़ाया कुछ खदशात हैं अगर उसमें जान चली भी जाएगी तो क्या हो गया और जो मुकद्दर में उससे आप भाग सकते हैं दीनी काम में अगर मौत आती है तो उससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती तो है? तो ढारस बनाने का तरीका खूबियां बयान कीजिए दीनी काम उससे रोकना नहीं मुमकिन है तो उसमें और हौसला देना चाहिए कि हाँ आप ये काम करें मज़ीद आपको कामयाबी हासिल होगी बहुत सारे लोग अभी कितने लोगों में इंतकाल हुआ है अभी इसी से थोड़ा सा जोड़ कर मैं बोलता हूँ कि आ, किसी का इंतकाल हुआ तो जितने लोग आएंगे, उम्मीद है कि उम्मीद की बात नहीं करते क्या करा रहे अब इन बच्चों का क्या होगा बेचारे छोटे छोटे हैं चार भाई हैं पहला बेटा दस साल का फिर आठ साल का फिर बेचारों क्या होगा वो बेचारी उस उनकी बीवी भी ज़्यादा उम्र ने क्या होगा उनका कोई देखने वाला ये सब बयान करने की चीज़ है और उन्हीं से जाके बोलते हैं बच्चों को देख के तरस आती है मुमकिन तरस आती सबको इंसानी हमदर्दी के नाती यकीन तरस आती लेकिन उनसे नहीं कहना अभी उनको ये कहना है कि भाई जो हुआ सो हुआ इनको पालने वाला अभी मौजूद है रबुल आलमीन अभी मौजूद है पहले भी वही पालता था अब भी वही पालेगा पहले उनके जरिया से पाल रहा था अब किसी और के जरिया से पालेगा कौन पालता है हमें हमारा रिस्क का हमारे पहनने का ओढ़ने का कौन बंदोबस्त करता है रबुलमीन ना वो तो जिंदा है वो हमेशा जिंदा रहने वाला है तो अब वो तसली ताजियत के नाम पे जाएंगे औरतें और सभी लोग जाकर के इस तरह की बातें करते हैं तो उससे हौसला मिलता है कि दिल और टूट जाता है मौत आई मौत सबका है तो लोग जाकर उनके अरे बेचारे ऐसे थे बेचारे ऐसे थे बेचारे ऐसे थे तो अब उससे क्या होता है यानी फला की मदद कर देते थे फला का सपोर्ट कर देते थे फला के ये काम कर देते थे अच्छी बात है लेकिन इससे क्या मतलब कि अब उनका कोई करने वाला नहीं है। इसको दिख रहेगी उनकी ये ये खूबियाँ थी हमें उम्मीद है कि इन इसकी वजह से उनकी मफ्रत हो जाएगी यानी उन्होंने ये काम किया है तो इसकी वजह से उम्मीद है कि अल्लाह ताली उनकी मकफरत फरमा देगा इतना जोड़ दीजिए और ये कह दीजिए कि भाई ये दुनिया है सबको जाना था असल आखरत है अगर आखरत इन कामों से बन गई तो इससे बेहतर और क्या काम मैं कहता हूँ अगर मेरी मौत आती है और अच्छे हालत में आ जाती है तो इससे बढ़कर सौदा और क्या हो सकता है जाना है ही कि नहीं जाना है जाना है लेकिन ईमान की हालत में कलमा तौहीद अगर ज़बान पर है या नेक अमल की सूरत में अच्छे काम करके हम अच्छे अंदाज में चले गए यहाँ से तो इससे बढ़कर कामयाबी और क्या है जाना है ही तो अगर ऐसी कैफियत है तो इन चीज़ों को बयान करके आखरत की कामयाबी याद दिलाना चाहिए बहरहाल वो जुमन बताई कि हौसला देने का अंदाज़ ये होना चाहिए खूबियाँ बयान कीजिए जिससे हौसला मिले ऐसी बातें ना कीजिए जिससे नाउम्मीदी और बढ़ जाए उसके बाद अम्मा अल्लाह अम्म खजी तैन करीमल् वसम को लेकर के अपने भाई वरका बिन नौफल के पास गई शज्जाद भाई जो कि ईसाई हो गए थे और अहल किताब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी देखिए उस वक्त उन्होंने कैसी बात कह दी तो जब वो उन्होंने सुना कि क्या क्या मामला उन्होंने बयान किया अल्लाह के नबी ने तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि देखिए जो फरिश्ता आया था ये मूसा इसरात वसलाम के पास भी आता था कहा काश कि उस वक्त मैं ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत में पड़ गए मेरी कौम मुझको निकाल देगी जिसको जो आज मुझे सबसे ज़्यादा महबूब जानती है अमीन सादिक़ सब कह रही है मेरे हर फैसले पर राज़ी हो जाती है वो मेरी कौम उसको निकाल देगी उन्होंने पहले बताया देखिए एक सुन्नत है जहन अभी से बना लीजिए कि जो भी इससे पहले इस तरह का काम करने आया है उसके साथ उसकी कौम के लोगों ने मामला किया है नबी करीम जहन में बात उसी वक्त से बैठी के आगे कुछ भी हो सकता है बहुत अपने आप को खुशफहमी में मुबतला करके ना बैठी है कि मैं अब बड़ा चाहता हूँ मेरी हर बात सुनी जाएगी मेरे घर में सब लोग मुझको बहुत मानते हैं जो कहूँगा सब मान लेंगे या कौम के लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरी तकरीरें बहुत सुनने आते हैं फ़ोन करके मतलब तकरीर सुना दीजिए लेकिन कोई ज़रूरी मान ले मानने तो छोड़ दीजिए मारने पर आमादा हो जाएंगे और सबसे पहली मुखालफत घर से होती है लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन वहीं से बनता है कि हक़ की दावत लेके जब भी कोई उठेगा तो उसके साथ ऐसा मामला हो सकता है तो एक दाई को भी यही सोच के रखना चाहिए कि जब हम अपने भाई की सलाह करते हैं अपने बहन की सलाह करते हैं अपनी वालदा की सलाह करते हैं अपने वालिद की सलाह की कोशिश करते हैं दोस्तों की अलाह कोशिश करते हैं जो अब तक हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो ये उम्मीद बिल्कुल मत पाल के बैठिए कि मेरी हर बात को मान लेंगे मेरी मुखालफत नहीं बल्कि जहन दूसरी तरफ भी जाना चाहिए कि जब हम सही अंदाज में सही बात इनसे करेंगे तो ये भी हो सकता है कि मान लें और ये भी हो सकता है कि मुखालफत पर आमादा हो जाए अगर ये जहन में पहले से है और फिर मुखालफत हुई तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती लगता है कि भाई हो सकता था हुआ है और फिर आदमी उस एतबार से रास्ता तलाश करता है तो हमें इस सीरत के इस वाक़े से ये पैगाम मिलता है ऐसे ही एक और चीज़ थी जो मुझे ज़िक्र करनी थी कि वही बंद हो गई वही बंद हो गई कुछ दिनों के लिए नबी करीम अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि क्या करें क्या करें देखिए किसी को इस छोटी सी मिसाल मैं दूंगा वो नबूवत के मुकाबले में बहुत बड़ी चीज़ है आपको किसी अच्छी जगह से जॉब का ऑफ़र आ जाए कॉल आ गया लेकिन जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है कैसा <laughs> लगता है और कोई मतलब बीच में कोई रबता नहीं कोई मेल नहीं आ रहा है पता नहीं हम सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं बेचारे तो थोड़ा सा तजव्जु होता है परेशानी भी होती है तमाम चीज़ें ये दुनिया छोटी मिसाल में नबूत के में बहुत आला चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं जिससे हम आप गुज़रते वो मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि इतना बड़ा अहदा मनसब मिलना मिला है तो अब उसके बाद तसलसल बाकी रहे हदायतें मिलती रहें रहनुमाइयाँ मिलती रहें और उसी बहाने अल्लाह रबुलमी से एक ताल्लुक कि मेरे एक ये होता है कि बंदा अपने रब से ताल्लुक़ कायम करता है दूसरा ये है कि अल्लाह की जानब से जवाब भी मिल रहा है कि हाँ जो ताल्लुक़ है उधर से जब जवाब आता है तो बड़ी खुशी होती कि हाँ अल्लाह आलमीन का पैगाम मेरे पास आया है अभी तो हम ही अपनी दुआ करते रहे दुआ करता कहीं कहीं से आ जाए बाई चांस कि हाँ तुम्हारी ये दुआ कबूल हो गई कितनी ख़ुशी की बात है लेकिन ऐसा भी होने वाला नहीं है तो चूंकि सिलसिला जब बंद हुआ एक बार आ कर के जिसमें बड़ी ख़ुशी भी थी कि एक नबी की ज़िम्मेदारी मिल रही है एक बड़ा मकाम मिल रहा है अल्लाह के तक, तकर्रब का ज़रिया बनेगा और उसके बाद बंद हो गया तो आप परेशान हाल हो गए क्या करें क्या करें उसके बाद कुछ उस दिनों के बाद अल्लाह के नबी गारा से उतर करके तकरीबन शवाल का महीना था घर वापस आ रहे हैं तो एक आवाज़ आई एक आवाज़ आई लेकिन गैब की आवाज़ नहीं थी आप दाएं देखते हैं तो कोई नहीं बाएं देखते हैं तो कोई नहीं सामने कोई नहीं पीछे कोई नहीं फिर ऊपर सर उठा के देखते हैं तो वही फरिश्ता जो गारे हेरा में आया था वो आज दूसरे एतबार से है वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है मशरक़ से मगरब तक के दरमियान फैला हुआ और उस वक्त अल्लाह के नबी ने बताया कि वो उनके पर ज़ाहिर थे छः सौ पर थे उनके जी बलसरात वसलम ये देख करके अल्लाह के नबी की फिर तबीयत ख़राब हुई फिर भागे भागे आए जम मिलू जम मिलू जम मिलून और आए उनको चद्दर उठाएगी तो उसी वक्त अल्लाह रब्लम ने क़ुरान करीम की फिर पांच आयतें नाजिल फरवान पहली बार कितनी आयतें थीं पांच दूसरी बार फिर पांच या यूहल मुदस्तिर अंदिर वरब बकफा कब्र व्या बकफा तहिर जिसमें आपको रिसालत दे दी गई रिसालत नबूत और रिसालत में यही फ़र्क है उस वक्त नबूत मिलेगी तो आप नबी बना दिए गए और इसमें पैगाम दिया गया उठिए अब सोने का वक्त नहीं है अब लोगों को डराइए गलत काम करते हैं उनको उनके अंजाम से डराइए कैसा हो जाएगा यानी अब तबलीग की शुरुआत कर दीजिए तो नबूवत उस वक्त मिली थी गार हरा में और इस हालत यहाँ से आगाज़ हो जाती है तो आपको अगर कोई रुतबा मिलता है एक डिग्री मिल जाती है आलिम की तो डिग्री है एक शर्फ़ की बात है लेकिन उसको ले आगे बढ़ना ये एक दाई का काम है सिर्फ दाई बन कर के टाइटल लगा के बैठना नहीं है बल्कि दावत का काम भी करना है सिर्फ ओहदा संभाल करके नहीं बैठना है बल्कि उसके लिए जो है उसको निभाना भी ज़रूरी है नबी को सिर्फ नबी बना के नहीं रखा गया बल्कि जो है नबी बना करके ये हुक्म हुआ कि आप तबलीग कीजिए लोगों को तपास पहुँचिए और ख़ुद अपनी भी असलाह कीजिए और लोगों की भी असलाह कीजिए ये चंद बातें कुछ अख्तसार के साथ कुछ तफसील के साथ आपकी खिदमत में मैंने पेश किया आ, उम्मीद की इस तरीके से एक नहज एक तरीक़ा आपको मालूम हुआ होगा कि सीरत की का जब हम मतला करें तो इस एतबार से हमारा जहन भी चलता रहना चाहिए कि हमें इससे क्या पैगाम मिल रहा है